नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, और अब इसमें VBA मैथ को प्रोग्रामिंग की ये दूसरी क्लास तीसरी क्लास है, दूसरी नहीं तीसरी क्लास है, और रात के शायद 9:45 बजने वाले हैं। न्यू फ्रेश बैच है और ये वन टू वन के लिए क्लासेस है, इसमें एक दो बच्चे ही बैच में होते हैं, तो क्लासेस बिल्कुल लाइव और वन टू वन चलती है। तो आप भी मेरे साथ अगर क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। iptindia.com पे जाएं, पहले डेमो क्लास का फॉर्म बुक करें, अगर अच्छा लगे डेमो तो फिर ज्वाइन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से नाइट में 10 बजे 11 बजे जब लेना चाहते हो तब आप ले सकते हो। और हर क्लासेस लाइव होती है, इंटरेक्टिव होती है एंड वन टू वन होती है। तो इसमें मिस्टर अवध बिहारी जी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम इनका वेट करते हैं सर। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोज, और मैक्रोज को रिकॉर्ड मैक्रो और मैक्रो की छोटी मोटी एडिट करना और इसका इस्तेमाल करना, राइट। और अवध बिहारी जी मेरे जी साथ है। अवध बिहारी जी, जो हाँ टॉपिक जी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक सैटरडे को, आप सैटरडे लास्ट सैटरडे ज्वाइन किए थे क्या? संडे हाँ एक एक्चुअली उस टाइम पे ना एक डेट किया था या और सैटरडे नाम पे किया था आपने? सैटरडे के, हाँ सैटरडे को इवनिंग को शायद आई थिंक एक डेमो क्लास लिया था मैंने आई आपसे, थिंक आप संडे लिए होंगे शायद, जी कोई बात नहीं। तो पता नहीं मैंने। हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्या है कि आपके व्यू मेनू बार में एक मैक्रो यहाँ पे आता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड मैक्रो, एक फीचर है आपका रिकॉर्ड मैक्रो का। अब ये फीचर क्या करता है और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं, और इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा अपने अपने ऑफिशियल वर्क में या लर्निंग सपोर्ट में। तो सबसे पहले जानिए रिकॉर्ड मैक्रो क्या करता है। जैसे आपने रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मैक्रो नेम दे दिया एंड ओके कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, अब आपके कीबोर्ड पे आपके एक्सेल जिस एक्सेल सीट पे होने वाले इवेंट को मॉनिटर कर रहा है। जैसे मैंने A1 पे क्लिक किया तो इसने कोड, इसने एक मैक्रो, अगर मैं डेवलपर में जाके अगर विजुअल बेसिक पे जाऊं तो आप यहाँ, तो वो A1 सेल है ना, उसे एक्टिवेट कर लिया उसने, आई थिंक ऐसे होगा देखिए अगर रेंज A1 पे A1 क्लिक हुआ। डॉट हाँ सिलेक्ट आ रहा है। अब मेरा यहां पे ये मैंने ना दिया A1 डॉट नेम, सिलेक्ट हो गया। तो यहां पे देखिए नेम आ गया। तो जो भी एक्शन को, ओके हाँ फिर जो भी एक्शन को फॉलो करते हैं आप, उसका कोड जनरेट कर से देता है। स्टॉप कीजिए। अब इसका बेनिफिट और क्या है कि किसी और शीट में अगर आप इसको रन करते हैं ओके तो आपको ये रन ये कर देगा, वो उसको फॉलो कर देगा। एक मिनट, बहुत सारे मैक्रो बने हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठता है, जब मेरे पास ऑलरेडी खुद ब खुद प्रोग्राम करने वाली मैक्रो है, फीचर्स है, तो हम क्यों प्रोग्राम करें। मतलब कि अगर आपको जापानी सीखना है तो अगर आपके पास ट्रांसलेटर है जो कि जापानीज को ट्रांसलेट करके इंग्लिश को और इंग्लिश को ट्रांसलेट करके जापानीज में कन्वर्ट कर देता है, तो आप क्यों सीखोगे क्या सर। हाँ सर, उसी तरह से जब मेरा माइक्रो खुद ब खुद बन रहा है तो फिर हम VBA प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन आता हाँ है। तो VBA ठीक प्रोग्रामिंग इसलिए सीख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो आपका रिपीटेशन, आपका कनेक्टिविटी, कंडीशंस, डायनेमिक, ये चीजें नहीं होती है। ये सिंपल जो आप माउस से कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करता है, समझ गया। तो अगर आप एक प्रोग्राम को ऑटोमेट करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो यू नीड टू यूज VBA प्रोग्राम। थोड़ी अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है, तो फिर रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेनिफिट क्या है, क्या सर। तो इसके दो वो बेनिफिट, क्या है ना, अगर
इसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है आपका हमारी स्टेप वो करता है, रिकॉर्ड करता है कि हम क्या क्या स्टेप कर रहे हैं, हाँ वो वो स्टेप रिकॉर्ड रिकॉर्ड करता है। हम बेनिफिट बोल रहे हैं कि क्या मतलब किसको किस तरह से आप पहले तो आए इसको आया पूरा के पूरा मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए प्रोग्रामिंग भी तो नहीं ले सकते क्योंकि ये डायनेमिक नहीं करता है, रिपीटेशन नहीं करते हैं, कंडीशन नहीं लगाता है, कनेक्टिविटी नहीं करता है। तो आप वो तो इसको हमें खुद लगाना पड़ेगा, अगर हाँ कुछ तो इसको तो लिख दिया आप कुछ। इसके बगैर फिर भी आपको वीबीए सीखना ही होगा। जब आप वीबीए प्रोग्रामिंग सीख ही रहे हो तो इसका क्या यूटिलाइजेशन रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज करोगे आप? अगर मान लो सपोज करो मेरा कोई टास्क है, मैं एवरीडे कुछ ऐसे करता हूँ कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं, अगर मैं एक बार वो रिकॉर्ड कर रखा है भले ही मेरा वो डेटा, अगर मैं एक बटन टूल सुना रही हूँ तो मुझे एवरीडे उस डेटा से वो सीट अपडेट करनी होगी, वही तो मैं आपको बोल तो रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रखा है कि तो हाँ। रिकॉर्डिंग आप कर लोगे तो ही बोल रहा हूँ, उसमें कंडीशन तो नहीं लगेगा ना कि भाई डेटा 10,000 से ऊपर हो तो फिर इस तरह से कॉपी करे। डेटा अगर सिटी सिटी का तो उठाए, लूपिंग डेटा को 10 सीटों पे है अगर 10 सीटों का डेटा उठाए, कल 12 हुआ तो 12 को उठा लेगा, डायनेमिक समझ गए ना? उसमें तो हम लोग कोरी चला सकते हैं, अगर ज्यादा मल्टीपल सीट अगर ये कि उसमें बग सीट हाँ में तो तो मैं एक कोरी कहने चला के। देखिए हाँ देखिए बस बिहारी जी समझने को, हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का बेनिफिट क्या होगा? अगर मुझे कोडिंग करना ही है तो फिर रिकॉर्डिंग के क्या बेनिफिट लेंगे हम? हाँ ये तो है। ये मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है तो हम समझ ही गए इस बात को। हमने हाँ इस बात को भी समझा कि हमें प्रोग्रामिंग तो कर सीखनी पड़ेगी और प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी, रिकॉर्डिंग माइक्रो से काम नहीं चलने वाला। हाँ ये तो बात बिल्कुल बात समझ गए? करेक्ट मतलब है। ये हाँ हुआ ना कि बिल्कुल आपको मैंने बोला कि भाई एप्पल का स्मार्टफोन आपको लेना ही पड़ेगा और साथ में आपको एक नॉर्मल भी रखना पड़ेगा। तो आप पूछेंगे सर कि जब मेरे पास स्मार्टफोन है ही फिर नॉर्मल का क्या यूज? सेम उस तरह से अगर मुझे पास वीवीए इट मीन स्मार्टफोन है और तो मैं नोकिया 1100 जो माइक्रोज है, मान लीजिए कि आपका स्मार्टफोन जो है वो वीवीए प्रोग्रामिंग हो गया, नोकिया 1100 हो गया आपका रिकॉर्ड माइक्रो, तो स्मार्टफोन में सारे फीचर्स है जो कि नोकिया 1100 में है, तो क्यों रखेंगे नोकिया 1100? कोई प्लस पॉइंट होना चाहिए। हाँ ये तो है तो सेम उसी तरह से इसको हम क्यों रखेंगे, क्यों यूज में, क्यों इसका बेनिफिट लेंगे? तो मेरे हिसाब से दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है लर्निंग सपोर्ट, एक राइट गाइड की ये तरह तो काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पेस्ट स्पेशल का कोड नहीं पता है तो आप कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट स्पेशल अप्लाई करेंगे तो उसका कोड आपको बन जाएगा। तो कोड बनने के बाद उसको आप अपने वीवीए प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज कर मैं सकते हो। हाँ उसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एक बार मुझे सपोर्ट मिल जाएगी कि ये बंदर हाँ ये इसमें जैसे कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वहां मान पे लीजिए वो ना कि आपका डेटा है, डेटा में एक स्टेप आ गया है फिल्टर करने का, तो आपको डेटा फिल्टर करके फिर कॉपी करना है, समझ गए? अब आपको फिल्टर करने का कोड पता नहीं है कि क्या कोड होता है, तो आप डेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, डेटा पे फिल्टर करोगे तो फिल्टर करने का कोड जनरेट हो हाँ जाएगा ना सर। हाँ तो इसका एक लर्निंग सपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम माइक्रो ज्यादा ना लिखे इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और माइक्रो ज्यादा ना लिखे इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? क्या सर? जैसे सर जैसे मान लीजिए एक लाइव रिपोर्ट आप बताता हूं आपको, ठीक है? हमारे पास ये डेटा है, डेटा दिख रहा है आपको? मुझे इस डेटा में मुझे फोन आता है कि भाई मुझे दिल्ली का डेटा दे दो, ये मान लीजिए मंथ का ही, हाँ मुझे पूछा गया कि मुझे अप्रैल महीना का डेटा दे दो, तो मुझे क्या करना होता है कि मुझे इस डेटा पे फिल्टर लगाना पड़ता है, अप्रैल को सिलेक्ट करना पड़ता है, डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट शीट में करके ले उस आना है। फाइल को सेव करके फिर उसको हमें मेल में अटैच करके भेजना होता है। तो अब मेल में अटैच करना है काम, चलो मैं मैनुअल कर लूंगा, हालांकि वो भी ऑटोमेशन हो सकता है लेकिन फिलहाल समझो कि मैं मैनुअल कर लूंगा क्योंकि वो लंबी है तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं।
हमें ऐसा हो कि जब मैं मैक्रो रन करूं तो मुझसे पॉपअप में पूछे कि भाई कौन सा महीना चाहिए, मैं फिर जून महीना या दिसंबर महीना जो महीना डालूं उस महीने का डेटा कॉपी करके उसी महीने के नाम से मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर, समझ गए? तो जो पॉपअप में चाहिए, हाँ उसमें हम लोग मैसेज बॉक्स में लिखेंगे ना, इस मंथ का अगर डेटा चाहिए तो नहीं, मैसेज मैसेज बॉक्स मैसेज तो बॉक्स में मैसेज देता ना, मैसेज बॉक्स थोड़ी देर से लिखता है, इनपुट बॉक्स होता है वो। अच्छा। मैसेज बॉक्स तो जस्ट शो करता है, आपको मैसेज देता है, रिसीव नहीं करता है कुछ, तो जस्ट आउट करता है। तो चलिए, तो इसके लिए मुझे एक बड़ा सा कोड हाँ लिखना पड़ेगा, तो मैंने बड़ा सा कोड नहीं ठीक लिखा, मैंने उसको रिकॉर्डिंग कर लिया। हमने रिकॉर्ड मैको को क्लिक किया और हमने उसको सेलेक्ट किया, फिल्टर लगाया। जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फालतू के स्पेसेस बनेंगे, माउस मूविंग है मतलब कि फलाना जगह क्लिक कर दे तो इधर उधर क्लिक कर देते ना, वो आप ना जो उतना ही स्टेप को फॉलो करें जितना आप करते हो ताकि एक्स्ट्रा कोड ना बने। तो मैंने अप्रैल कर लिया, ओके फिर मैं इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाला, जो कंट्रोल शिफ्ट डाउन होता है ना, डाउन हाँ अप, मैनुअल रिकॉर्डिंग करते इस पे मैनुअल माउस से सिलेक्शन ना करें। मैनुअल माउस से अगर अच्छा सिलेक्शन करते हैं रिकॉर्डिंग करते समय, हाँ तो क्या दिक्कत होगा? वो फिक्स रेंज में वो और काम, अच्छा कल के डेट में आपका रेंज बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ना, क्या? हाँ तो हाँ डायनेमिक, राइट अगर आप कर्सर रखे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो का प्रयोग करते हो तो डायनेमिक सिलेक्शन का कोड लिख देता है। हाँ वो नीचे जाएंगे फिर ऊपर फिर वो करेगा ऑटोमेटिक कोड कर और रिकॉर्ड दूसरी चीज, करेगा। अगर आप फिल्टर फिल्टर करके डेटा कॉपी कर रहे हैं तो हो सकता है कि पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाए, कभी कभी होता है ना सर, तो हाँ उससे हाँ बचने के सो लिए क्या करते हैं आप? क्या उससे बचने के लिए क्या करते हैं आप कि पीछे का डेटा कॉपी ना हो, किस पीछे का डेटा मतलब मतलब कि जैसे फिल्टर आपने लगाया ना, तो अभी मान लीजिए कि जो विजुअल है उसी कॉपी करता है, लेकिन समटाइम कुछ कॉलम ऐसा होती है कि वो पूरा डेटा इसके पीछे जो हिडन है वो डेटा को भी कॉपी कर लेता है। हाँ तो उस केस में तो आपको ऑडीएस क्या भी करना होगा? क्या बता रहे आप एक मिनट रुकिए, मैं स्टॉप करता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि आप अगर कभी कभी फिल्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेल हाइड हो गया आपका, ठीक है, ये हाइड हो गया, फिल्टर लगा हुआ है, मान लीजिए हाइड है, तो कभी कभी जब इसको हम कॉपी करते हैं, इसको जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करके जब हम पेस्ट करते हैं तो पूरा जो पीछे का हाइड होता है वो भी कॉपी हो जाता है। कई कई हाँ सिचुएशन ऐसी होती है, और सिचुएशन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या करें जो जो सिर्फ विजुअल है उसी को हम कॉपी करें, जो हिडन है उसको कॉपी ना करें, इसके लिए क्या करते हैं आप बताए इसलिए कुछ? पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसमें, मैं ध्यान नहीं दिया कभी कि मैं ज्यादा मोस्टली कॉपी करता हूँ तो ऑल डीएस भी करके वो कर देता था पेस्ट। वो तो आप कर ही देते हो ना, कॉपी पेस्ट तो आप कर ही देते हो ना सर, मैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे बताता हूँ बता कैसे प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने इसको कॉपी कर लिया ना, कॉपी कर लिया और फिर आपने कहीं पे क्लिक कर दिया, फिर आप कंट्रोल जेड कर दोगे, मतलब कि आप यहाँ पे फिर आप कंट्रोल जेड कॉपी कर लोगे, इसके मार कर फिर कंट्रोल जेड कुछ ऐसा होता है, इसमें आप कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई कर देते हैं तो पीछे का डेटा हमारा कॉपी हो जाता है, या फिर डेटा आपका बहुत बड़ा है तो उस केस में भी हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए आपको नहीं पता है बता देता हूँ, यहाँ गो टू स्पेशल में जाना है,
और यह होता है विजुअल सेल्स ओनली, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो सेल विजुअल है उसी को सिलेक्ट करता है, वो पीछे का डेटा सिलेक्ट ही नहीं करता है, समझ गए। तो फिल्टर लगाते समय इसका ध्यान रखिएगा। चलिए दोबारा से मैं माइक्रो स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ पे आए, इसको सिलेक्ट किए, हम फिल्टर लगाते हैं और फिर इसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं महीना अप्रैल, और हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, पूरा ये सिलेक्ट हो गया। फिर हम यहाँ फाइनल सिलेक्ट में जाते हैं, गो टू स्पेशल, विजुअल सेल्स पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं एक नए, अब देखिए पहले से सीट मेरे पास ऐड है लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नया सीट ऐड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सीट ऐड करने का भी कोड जनरेट हो जाएगा। अभी तो मान लीजिए कि सीट ऐड है, इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सीट ऐड ना हो, तो ऐसा किया। फिर इसमें मैं डालता हूँ अप्रैल का नाम, चेंज कर दिया सीट में, फिर राइट क्लिक करके मैं करता हूँ मूव एंड कॉपी, और यहाँ से करता हूँ मूव, ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ न्यू वर्कबुक, देन ओके, ये अप्रैल फाइल एक नई वर्कबुक में मूव हो गई, और इस वर्कबुक को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे अप्रैल नाम, ठीक है, और फिर इस वर्कबुक को क्लोज कर देता हूं। मेरा माइक्रो परफेक्टली बन गया है, लेकिन माइक्रो रन नहीं होगा, इस माइक्रो को रन करते समय कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो दिक्कत होगा। तो इस हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब इस रिकॉर्ड की माइक्रो को एडिट करेंगे, हम माइक्रो थ्री को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा कोड है, इसमें कुछ कोड फालतू के जनरेट हो गए हैं, जैसे कि ए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे ए हो गया है इसको भी डिलीट कर दीजिए, डबल क्लिक कर दिया तो मैं इसमें कॉपी, यहाँ पे सिलेक्शन किया, देखो यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ गया ना, ये आपका, ये आपका ये हो गया विजुअल सेल्स का हो गया, कॉपी कर रहा है सीट, ऐड कर रहा है सीट पे, पेस्ट कर रहा है। अब सीट 13 डॉट सिलेक्ट, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि नई सीट जब ऐड होगी तो क्या हमेशा उसका नाम सीट 13 ही रहेगा, उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे जो सीट ऐड हुई है वही हमारा एक्टिवेट है, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, तो मैं यहाँ पे एक्टिव सीट कर दिया, बाकी जो ये है इस सब का इसको भी डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अप्रैल डॉट मूव सही है, ये डेस्कटॉप वाला पार्ट भी मूव कर दें, और ये आपका सेव हो गया। अब आपका माइक्रो रन करेगा लेकिन वो हमेशा अप्रैल का ही डेटा निकालेगा, इसमें 3-4 लाइन गलत था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, सीट नेम चेंज करके हमने यहाँ पे 13 को सीट नेम से चेंज कर दिया, क्या सर? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे, तो जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हो ना, ऐसे मैं यहां पे ले लेता हूं एम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसमें मैं डालूंगा कि एंटर मंथ मे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये चलेगा तो एक पॉपअप देगा, उसमें जो मंथ आप एंट्री करोगे वो मंथ को यहां एम पे स्टोर कर देगा, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप लोग एक्स इक्वल टू 100 करते हैं और जहां 100 की जरूरत होती है वहां एक्स को आप लेते हैं, तो इसी तरह से जहां जहां मुझे अप्रैल की जरूरत है वहां वहां हम लेंगे एम, और यहां भी देंगे एम, और यहां भी दे दीजिए एम, ठीक है, और ये अप्रैल है, तो प्रॉब्लम यहां है कि हमें इसको आपस में
कंबाइन करना होगा। जो क्या बोलना, पूछिए बोलिए, भी क्या बोलना। जो जो ये है ना, ये वाला सीट्स जो हमारे एप्लीकेशन कट मूड फॉल्स है ना, उस नीचे जो सीट्स है जो एमबीए, उसमें डबल कोट देना होगा ना यहाँ पे ये नहीं, क्यों? ये वेरिएबल्स है। अच्छा वहाँ हमने यहाँ की वैल्यू दे दी ना मंथली। ठीक है, अब ये जैसे ही रन होगा, देखिए जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझसे पॉपअप पूछेगा। तो ये जो पॉपअप आ रहा है ये इनपुट बॉक्स है। ओके ठीक है, अब मैं इसमें ओके देता हूं सितंबर। अब ये सितंबर पे क्लिक करूंगा तो स्टोर एम पे कर देगा, और जहां जहां सितंबर चाहिए वहां वहां एम उसको फॉरवर्ड कर देगा। ओके ठीक है, अब देखिए हमारे डेस्कटॉप पे सितंबर नंबर की फाइल बन के तैयार। तो इसमें बेनिफिट क्या है रिकॉर्डिंग माइक्रो का, कि हम पहला बेनिफिट मैंने बताया कि हम उसको लर्निंग सपोर्ट के लिए मदद के ले सकते हैं। हाँ दूसरा, कल के बिल्कुल डेट में आपको अगर वीवीए आ भी जाता है तो आप क्या हाँ करेंगे कोडिंग से बचने के लिए। अब देखिए कि इतना सारा कोड मुझे लिखना पड़ता ना सर, क्या वो टाइम लगता टाइम लगता, थोड़ा। और हो सकता है कि कहीं गलती भी हो जाए, कुछ छूट भी जाए। तो हमने क्या किया कि हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, और रिकॉर्डिंग माइक्रो जहां जहां और डायनेमिक नहीं कर सका, कनेक्टिविटी नहीं कर सका, कंडीशन नहीं लगा सका, वहां मैनुअल कंडीशन लगा। तो इससे क्या होगा ठीक कि जहां मुझे 500 लाइन एंट्री करना है वहां मुझे 50 लाइन एंट्री करना पड़ेगा। समझ समझ गए, ये समझ में आ गया ना कि क्या कर रहा है, कोई हाँ सर समझ में आया। डाउट इसमें। नहीं हाँ, ये जो हमने जो सब माइक्रो थ्री है जो डॉट डॉट लगे, अगर ये हटा दे तो कोई इससे फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, जो किसमें ये, माइक्रो थ्री करके माइक्रो ये ऊपर, तो कमेंट है, ये तो कमेंट है, कोई अगर ये हटा दे तो कोई इशू तो फर्क है नहीं, वो नहीं। चलेगा ना। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बात सही करते लगाया हैं कि कि इस उसे। माइक्रो को रन कैसे कैसे किया जाए, ट्रिगर, माइक्रो ट्रिगर। तो पहला तो आप माइक्रो लिस्ट में जाके यहां से इसको रन कर देते, आप एक इसी बार को में दे कनेक्ट दूंगा कर सारा। दें और ऑप्शन पे जाए, इसका शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते समय ही आप यहाँ शॉर्टकट दे सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे क्या होता है कि माइक्रो किस चीज के लिए बना है, कहाँ यूज है, इसके बारे में डिटेल ले लें, ताकि तो लेकिन रेट में कोई और इस माइक्रो को देखे तो उसको आइडिया लगे कि ये माइक्रो करता क्या। तो एक तो है माइक्रो लिस्ट से आप ट्रिगर कर सकते हैं, दूसरा आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा कि डेवलपर टैब में ही हमारे पास बटन होता है, एक हमारा एक्टिव एक्स कंट्रोल है, एक हमारा फॉर्म कंट्रोल है। तो फॉर्म कंट्रोल का जो बटन आप लेके डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते ही आपसे पूछता है असाइन माइक्रो। मैंने हाँ मैं कौन माइक्रो सा माइक्रो हाँ दे दिया। अब इस बटन पे क्लिक करते ही हमारा वो ऑटोमेटिक रन करने लगेगा, रन मंथ ने हम मांगेगा रन करेगा। कर दे। ठीक है, रन हो गया, दिसंबर का फाइल बन गए, मैं रिलीज कर देता हूँ। अब दूसरा इसमें सवाल ये उठता है कि बटन में अगर हम एक्टिव एक्स में तो एक्टिव एक्स अगर लेते क्या? हैं, डिजाइन करते हैं, इसमें दो बटन होते हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स। एक्टिव एक्स लेते हैं तो फिर इस पे आपको डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको जिस माइक्रो को आप रन करना चाहते हैं उस माइक्रो का नाम सिर्फ लिखना है। जैसे मुझे माइक्रो 3 रन करना है तो मैं माइक्रो 3 को लिया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ है ना सी फाइल में, यहाँ पे बक्शी और यहाँ पे बक्शी, नहीं माफ कीजिएगा ये इसके नहीं है,
इस पे डबल क्लिक करें। हाँ डबल क्लिक करें, आ गया लीडरशिप में, और इस मैक्रो का नाम लिख दे सिर्फ, मतलब कि उस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको वीवीए कोड आएगा जहां पे कमांड बटन वन और यहाँ पे एक्शन क्लिक, तो सिर्फ मैक्रो का नाम लिख देंगे और ए डिजाइन व्यू आपको देखा एक्टिवेट है, उसको अनएक्टिवेट करेंगे तो रन करेंगे। समझ गए सर? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मुझे अब मेरे पास खुद के कोई बटन है स्टाइलिश बटन होता है ना, चार्ट में जाके कोई टेप दे सकते हैं, चार्ट वार्ट या कोई ऐसे सैप्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस पे किसी को साइन किया और इस पे अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर दी, लिख भी दिया कि रन, इसका नाम टेक्स्ट में दे दो क्या है, रन चेकिंग गाइस। हाँ और फिर इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन होना चाहिए, इसी पे आप राइट क्लिक करें, सर वो बीच में क्लिक करो, डबल क्लिक करके देखो और यहाँ असाइन मैक्रो दिखेगा आपको, यहीं पे असाइन मैक्रो होगा और आप अपने कोई भी को असाइन करो। समझ गए सर? हाँ सर समझ। तो इसी तरह के आप रिकॉर्डिंग मैक्रो बनाएं और उसको थोड़ा बहुत एडिट करें, दो चार मैक्रो बना के भेजे सर मुझे। ठीक है सर। तो आप अपने काम का रिकॉर्डिंग मैक्रो में रिकॉर्ड करें, दो चार मैक्रो बनाएं और मुझे मेल करें, फिर मैं आपको अगली क्लास मंडे होगी, मंडे से क्लास हमारा कंटिन्यू चलेगा और मंडे को हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम यूज करेंगे मैक्रो में और मैक्रो के फीचर्स को और कोड कंसेप्ट को, कैसे कोड राइट करेंगे वगैरह वगैरह।